करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ले जी, अब मैं आपको मिलाता हूँ उस्तादों के उस्ताद हैं ये। पिछले 37 साल से ये कढ़ाई के ऊपर राज कर रहे हैं और सन 80-82 में ये साहिवाल आए थे और तब से इन्होंने इब्तदा की थी यहाँ पर कढ़ाई की जो मक्खन में बनती है। और आज मैं आपको मिलाने लगा हूँ जी उस्ताद शकील लाहौरी के नाम से ये मशहूर हैं और उनके साथ मैं आपको मिलाता हूँ जी। ये हैं जी उस्ताद शकील लाहौरी साहब, इनके पास आज मैं साहिवाल में हूँ और ये दारुल माहिबर अब काम कर रहे हैं ये। पहले काफ़ी अरसा इन्होंने लाहौर में काम किया है, अब 1982 से ये साहिवाल में है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इनका इनके हाथ में टेस्ट है। कढ़ाई के ये मास्टर हैं यहाँ पर साहिवाल में जी। ये सिर्फ दही है जी? सिर्फ दही। ये सिर्फ दही है जी खालस, वो भी इसके अलावा ये धनिया इन्होंने बना कर रखा हुआ है। सब्ज़ मिर्च है जी, ये अदरक है जी। ये मसाले दसना केड़े केड़े ने? सुरख मिर्च, कश्मीरी मिर्च सुरख, ये सूखा धनिया है जी, ये नमक है, ये काली मिर्च है जी, और ये हल्दी है जी, और ये पेशावरी कढ़ाई के लिए दड़ा मिर्च है जी। और गरम मसाला ये अपनी कढ़ाई के अंदर यूज़ नहीं करते, उस्ताद शकील लाहौरिया साहब मुझे बता रहे हैं जी। ये गरम पानी इन्होंने रखा हुआ है जी, इसमें अदरक है, लहसुन है और पानी है सिर्फ गरम, इसे बॉयल कर कर रखा हुआ है इन्होंने। ये जी हम मटन की कढ़ाई बनाने लगे हैं, उसके लिए पहले हमने गोश्त किया, उससे अपने सामने ज़रा साफ सुफ करवा रहे हैं, बेहतरीन इसकी छोटी छोटी बूटी बनेगी, उसके बाद इसके ऊपर काम करवाएंगे अभी। ये देखें ये साइज रखना हमें, अभी ये सारा बनता तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये टमाटर हैं, ये मटन बना रहे हैं जी, इसमें मटन पहले इन्होंने प्रेशर कुकर में डाला है जी, इसके अंदर प्याज का, लहसुन, अदरक, टमाटर और मटन और पानी, वही जो अदरक लहसुन वाला पानी है वो डाला था इसके अंदर और इसे पकने के लिए इन्होंने रख दिया है आधे पौने घंटे के लिए, क्योंकि मटन को टाइम ज़्यादा लगता है चिकन की निस्बत। ये मटन है जी, अंदर की पाया लहसुन अदरक का पानी डाला है, टमाटर डाले और प्याज डाला है और नमक डाला और पानी आपने यही वाला इस्तेमाल किया, यही वाला इन्होंने पानी इस्तेमाल किया इस मटन के अंदर। ये अभी इसकी यखनी है उसके अंदर ही रहेगी, इसके अंदर ही रहेगी। हाँ, अभी निकाला मटन कुकर से, इसमें अदरक, हरी मिर्च और दही, ये थोड़ी सी लाल मिर्च, ये सुर्ख मिर्च जी, ये सूखा धनिया, ये सूखा धनिया और मक्खन, और ये मक्खन जो है ये मक्खन। बोलना जी, और काफी लोग उनके उस्ताद अहमद अली खान साहब, सही सर। ये जी अभी हमें बता रहे थे उस्ताद शकील साहब के कौन कौन से लोग जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं इनसे खाना खा चुके हैं जी। अभी इन्होंने काली मिर्च डाली है जी एक चम्मच के करीब इसके अंदर, गरम मसाला ये अपनी कढ़ाई के अंदर यूज़ नहीं करते बिल्कुल जी।
और ये कह रहे हैं कि उसके साथ फिर जलन नहीं होती सीने के अंदर। और हम लोग यही मिस्टेक करते हैं कि गरम मसाला सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में। ये देखें, जी बिल्कुल जी, ज़बरदस्त। ये जी अपनी जो सीक्रेट रेसिपीज हैं वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, इनका 30-35 साल से जो तजर्बा है ये हमारे साथ वो शेयर कर रहे हैं जी। अपना 37 ईयर से 37 साल से ये काम कर रहे हैं। ये अदरक, ये अदरक और धनिया, अदरक और धनिया और साथ काली मिर्च, ये अदरक धनिया और काली मिर्च इन्होंने डाली है। अब ये मटन जो है बिल्कुल तैयार हो गया जी। और ये मुझे टेस्ट करवा रहे हैं जी। ये सब बहुत मज़ेदार है माशाल्लाह, ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट इसका।